और जब हम डॉक्टर्स हैं और एक मेडिकल यूनिट चला रहे हैं तो डॉक्टर्स आर द फर्स्ट वन टू बिलीव इन गॉड। मेडिकल क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में, सोशल रिलेशनशिप गुरुज जो हैं, हेल्थ गुरुज हैं, वे सभी आज भगवान में श्रद्धा की बात करते हैं। मतलब मेडिकल क्षेत्र, मैनेजमेंट क्षेत्र, सोशल रिलेशनशिप क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में भगवान के प्रति श्रद्धा की बात बहुत बार आई। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में पेश हुए हैं, साइंस सेमिनार्स में, बाय मैन ऑफ साइंस, नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी, मैन लाइक अस, बाय मैन ऑफ साइंस, वेयर दे हैव प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली क्लिनिकली हाउ सम रिलेशन विद गॉड, कनेक्शन विद गॉड, भगवान को आप प्रार्थना करें, नाम स्मरण करें, दर्शन करें, इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाभ कितने होते हैं, ये प्रूव हुआ है। 500 से ज्यादा की कॉपी तो मेरे पास है, 50,000 में से। तो आपको जीवन में अच्छी तरह से सफलता और संतोष, ज्यादातर मैनेजमेंट गुरुज आज सफलता की बात करते हैं, सक्सेस इन लाइफ। When I talk, I say success plus satisfaction. सभी success satisfaction में रूपांतरित नहीं होते। Even after being a most successful person in some of the fields, people commit suicide. ये परिस्थिति होती है। मतलब आप successful हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो ये बारी आई। तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क रिजल्ट भी बढ़ेगा। कि जो सर्जन्स हैं, उनको ऐसे अनुभव हुए हैं, सभी जो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, सभी जो मेडिकल लाइन से संबंधित व्यक्ति जो यहां हैं, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। डॉक्टर बर्नी सीगल ने यह बुक लिखी है, डॉक्टर बर्नी सीगल, उन्होंने ये बुक लिखी और बुक का टाइटल है लव, पीस एंड हीलिंग। लव, पीस एंड हीलिंग, इस पुस्तक में उन्होंने हकीकत जो प्रसंग बने हैं उस प्रसंग डिस्क्राइब किए हैं। और इसी बुक का प्राइम टाइम अमेरिका में टीवी शो हुआ था, प्राइम टाइम टीवी शो हुआ था और सभी को पेश किया था उन्होंने मंच पे। कहीं सही बातें उसमें लिखी है, रियल एग्जांपल्स लिखे। मैं 2 मिनट में एक एग्जांपल आपके पास रखूंगा। बात यह बनी कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कोई एक लेडी थी, उनकी उम्र होगी शायद 70-75 साल की, अकेली थी। उसको एक विचार आया कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अभी थोड़ी तंदुरुस्त हूं, कहां जा सकती हूं, तो कुछ करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत श्रद्धा वाली थी वो। बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को भी मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी पढ़ूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ उनको दिए, ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में, और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है। घर जाएगी वो, रखेगी, प्रार्थना करेगी, और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बनके मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं, और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम से वो एक ही जगह पे जमा हुए, और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं, और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन, माइंड पावर कितना है, मैं आपको बोलता हूं, ये मैं कोई इमेजिनेशनरी बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्नी सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में।
तो 2 महीने के बाद वो वापस गई तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई, पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट दो बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको, 4 स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्नी सिगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। इतनी ताकत हमारे माइंड पावर में भी है, गॉड पावर में भी है, उन दोनों के कनेक्शन में भी है। अगर यहां अग्रेसन हॉस्पिटल में से 50 कैंसर पेशेंट्स वापस अच्छे होके जाए तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी बेंगलुरु में, टेल मी यस और नो। तो इसमें आप प्रार्थना के एलिमेंट जुड़ दें, दवाई भी अच्छी करें, ऑपरेशंस भी करें, ये भी करें, मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ इनके पे डिपेंडेंट रहें, लेकिन एड वन मोर ट्रीटमेंट एलिमेंट, दवाई देते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, इसके साथ प्रार्थना भी जोड़ दें, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी, वर्क रेशियो कितना अच्छा बढ़ गया, इतने अच्छे पेशेंट्स, इतनी अच्छी रिजल्ट आती है। तो ये लव पीस एंड हीलिंग पुस्तक में ये लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी। ये तो मैंने एक बात आपको की, न्यूयॉर्क में इसी पुस्तक, ये सभी को, ये पेशेंट्स को, ये व्यक्ति को डॉक्टर बर्नी सिगल ने प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे पेश किया और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने ये सब देखा है। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति का हाथ गाड़ी के नीचे आ गया और पूरा क्रश हो गया, इसमें तो कितने सारे बोन्स होते हैं छोटे छोटे, पाम में, हाइंड में, सभी क्रश, ट्रक के नीचे अगर ये हाथ आ गया तो कैसा बन जाता है, एकदम ऐसा लूज हो गया। सभी ने कहा इसमें कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं, इस तरह से जियो या यहां से काट दो, जो भी आपको बताया। अमेरिका में सभी बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन ने यही सजेशन किया। ये व्यक्ति ने कहा कि माइंड में बहुत पावर है और माइंड कनेक्शन विद गॉड इसमें बहुत पावर है। अपना हाथ टेबल पे रख के हाँ दवाई वो जो है वो लेता था, इंजेक्शन जो लेने वो लेता था, लेकिन वो इमेजिनेशन करे रोज शाम को कि गॉड इज कमिंग टू माय हाउस एंड देन ही हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन माय लास्ट फिंगर फर्स्ट। फिर वो गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, भगवान जरा धीरे, हाँ पेन प्लीज सर, पेन हो रहा है। इतना कनेक्शन रखता था वो, इमेजिनेशन ये रखता कि भगवान मेरा ऑपरेशन कर रहा है। और फिर 1 घंटा ऑपरेशन चला, फिर वो अपने आप ही उस पर एक बैंडेड बांध देता था कि ये ऑपरेशन करने के बाद बैंड कर दिया, हील लगा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा इमेजिनेशन, अब भगवान दूसरी बार आए मेरे घर में, डॉक्टर के स्वरूप में, व्हाइट एप्रन पहना है, स्टेथोस्कोप है, आए, ये ऑपरेशन चालू किया, फिर अपने आप बैंडेड कर देता था उसको। आफ्टर 40 डेज ही कुड लिफ्ट 20 kgs विद दैट हैंड, एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइक यू एंड मी। ये प्रसंग भी डॉक्टर सीगल ने लव पीस और हीलिंग में लिखा है। ये बात सभी सही है। तो आपको वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब आपका वर्क रिजल्ट बढ़ाना है, तो एक अच्छा एलिमेंट ये भी है। सतीश जी, तो ये एक सुझाव है, अभी ये मैंने जो 2 प्रसंग अभी कहे तो उससे ये एक सुझाव है आप सभी को, बड़े लोग यहां सब बैठे हो, तो रोज सुबह को एक टाइम फिक्स कर दो और शाम को एक 5-5 मिनट का, जो सब प्रार्थना में साथ एक साथ जुड़ जाए। सुबह में जो करे उसमें शायद ऐसे हो कि कोई काम में हो, इमरजेंसी में हो, ऑपरेशन में हो, ना आ सके, तो वो शाम को आए। 2 बार सभी को आने की जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिकल बात है। सुबह में जो आ जाए वो शाम को ना आए, शाम को आ जाए वो सुबह में ना आए, अनुकूल हो, ठीक है। तो एक प्रार्थना के एलिमेंट, और प्रार्थना में सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, व्हेन यू प्रे फॉर अदर्स इट फ्रूटिफाइज बेटर एंड मोर क्विकली। तो आप सभी पेशेंट के लिए एक प्रार्थना के एलिमेंट चालू करें। इससे प्रेरणा लेके हमने 2004 में मुंबई में एक प्रयोग किया था। 2004 में मुंबई की सभी हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग होम, सभी में हमारे 2500 बच्चे, छोटे BAPS हमारे ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड फोरम्स के लड़के और लड़कियां दोनों, छोटे मतलब उनकी उम्र 7-8-9 साल की, व्हाइट एंड व्हाइट जो हमारा संप्रदाय का ड्रेस है,
वो पहन के ये चार चार के ग्रुप में, दो लड़के दो लड़कियां छोटे छोटे, चार चार के ग्रुप में हर हॉस्पिटल में पूरे मुंबई में हर पेशेंट के पास जाके उसके बेड के पास खड़े रहकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रैक्टिकली वी डिड इट इन समर वेकेशन ऑफ 2004, 2500 लिटिल चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स दे विजिटेड ईच एंड एवरी हॉस्पिटल ऑफ मुंबई, हर एक पेशेंट के पास गए और पहले उनको बोलते थे कि हम कहां से आए और फिर बोलते हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए, फिर वहां खड़े रह के 5 मिनट प्रार्थना करते थे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, और फिर एक फल उनको दे के आते थे। और ये बच्चे भी जो फल लेके जाते थे, हमने उनको सिखाया था कि माता पिता के पास पैसा मत मांगना, अपने पॉकेट एक्सपेंस में से निकालना, ताकि बचपन से उनको ये संस्कार मिले सेवा का। तो ये बच्चों ने अपने पॉकेट एक्सपेंस में से, पॉकेट मनी में से ये फल लाए। तो एक केला दे या एक सफरजन दे, पेशेंट तो रोने लगते थे। हमारे पास इस सभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, हमारी संस्था में वीडियोग्राफी भी है, तो हम ये करते थे। तो सभी सभी ये हॉस्पिटल्स में से हमको रिपोर्ट मिला कि हमारे कहीं पेशेंट हम जानते थे कि एक महीने में तंदुरुस्त हो जाएंगे, 15-20 दिन में डिस्चार्ज हो गए, ये ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको। तो ये सही, तो ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई ना, स्पिरिचुअल एलिमेंट से ये बढ़ती है, तो ये बहुत जरूरी है।